तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार। तो यार आ चुके हैं और न्यू वीडियो के साथ वापिस। अभी यार आज की इस वीडियो में करने वाले हैं अपन पबजी का एक्सट्रीम टेस्ट। और भाई हमारे पास आज की इस वीडियो में काफी सारे फोन हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई ये वाली जो वीडियो है इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और भाई इतने सारे फोन में एक साथ गेम को टेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो उसके लिए भाई मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर से कर देना अगर यार वीडियो पसंद आती है तो। पहले देख लो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी हमारे पास थोड़े मिड रेंज फोन है। पिछली वीडियो में हमारे पास 40-40 हज़ार रुपए तक के फोन थे। 30 हज़ार रुपए आईक्यू 7 था, 40 हज़ार रुपए का BMW वाला एडिशन आईक्यू 7 लेजेंड, और वन प्लस 9R वगैरह 40-40 हज़ार वाले फोन थे। बाकी आज की वीडियो में भाई जो हमारे पास फोन है वो मिड रेंज फोन है, यानी कि आप इसको 20 हज़ार रुपए की कैटेगरी आराम से मान सकते हो। बाकी भाई जो फोन की सारी जरूरी जरूरी स्पेसिफिकेशन है वो दिख जाएगी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको प्रोसेसर, बैटरी परसेंटेज और चार्जिंग वार्जिंग कितनी इतनी सपोर्ट करता है सब दिख जाएगा। तो भाई सबसे पहले लेफ्ट साइड से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में अपने पास है पोको X3 प्रो, जैसा कि हर बार होता ही है, हर टेस्ट में इसका होना लाजमी सी बात है। उसके बाद भाई हमारे पास है न्यूली लॉन्च आईक्यू का Z3, जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है भाई, और ये आपको ऑफर ऑफर लगाने के बाद भाई 17 हज़ार रुपए तक का मिल जाता है। तो काफी ज्यादा तगड़ी डील हो जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी हमारे पास रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स है, जिसकी भाई हाईलाइट है मेन इसकी डिस्प्ले जो है ना भाई 120Hz की AMOLED डिस्प्ले, सारे फोनों में अलग ही निखर के आती है। और भाई पिछली बार हमारी वीडियो में सैमसंग का A52 भी नहीं था, तो इस बार हमने सैमसंग का भी फोन रखा है। तो सैमसंग का A52 है हमारे पास, और यहाँ पे Mi 11X भी है। काफी सारे लोग बोलेंगे Mi 11X क्यों रख लिया भाई, ये तो 20 हज़ार रुपये के अंडर नहीं आता है। बट यार ये भी ऑफर ऑफर लगा के आपको 25 हज़ार रुपये तक का मिल जाता है। थोड़ा बहुत बजट बजट ऊपर करके बंदे Mi 11X भी देख लेते हैं, और मेरे को यार टेस्ट भी करना था इनको बाकी सारे फोनों के साथ, तो मैंने इसलिए इसको भी पेल दिया यहाँ पे। बाकी ये होगी सारी फोनों की बात, अभी क्या करते हैं सबसे पहले ना सारे फोनों को सीधा कर लेते हैं। तो भाई ये हमारे पास जो जितने भी सारे फोन है भाई सभी को हमने सिमिलर वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करा हुआ है। सभी की जो ब्राइटनेस परसेंट है वो भी हमने 100% करी हुई है, और सारे फोन को हमने 100% चार्ज करा हुआ है। हालांकि अपना Mi 11X 1% ड्रॉप हुआ है, बाकी सब 100% पे है। अभी करते हैं स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सबका टेम्परेचर लेते हैं कि कौन कितना कितना पहुंचा है। Mi 11X 36 चल रहा है, A52 35 चल रहा है, नोट 10 प्रो मैक्स भी 35 है, आईक्यू Z3 भी 35, पोको X3 प्रो भी 35 चल रहा है भाई। तो भाई अब बिल्कुल भी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सब में एक साथ गेम को चालू कर लेते हैं। वैसे एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, इतने हमारे पास हाथ नहीं है। सबसे आखिरी में पोको X3 प्रो में करी थी चालू, सबसे पहले उसमें खुली, फिर Mi 11X में खुली है। थर्ड नंबर पे अपना रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स, फोर्थ नंबर पे A52, और सबसे आखिरी में लास्टली आता है अपना आईकू का Z3, जो कि अभी लेटेस्ट है। बाकी भाई आईकू Z3 में अभी न्यू प्रोसेसर है, तो ऑप्टिमाइज वगैरह नहीं है वो इतना अच्छी तरीके से गेम में, पर हो जाएगा आगे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई अभी सभी की ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो अपना Mi 11X में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम है, A52 में स्मूथ प्लस अल्ट्रा है, नोट 10 प्रो मैक्स में भी स्मूथ प्लस अल्ट्रा, आईक्यू Z3 में एक्सट्रीम तक का ऑप्शन है, पोको X3 प्रो में तो है एक्सट्रीम का ऑप्शन। बाकी भाई लेफ्ट साइड में अपने जो दोनों फोन है पोको X3 प्रो और आईक्यू Z3, इन दोनों में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, इन दोनों में AMOLED देखने को मिलता है। सबसे पहले भाई हम एक एक करके सभी में मैच ट्राई करने वाले हैं, लेफ्ट साइड से राइट तरफ जाएंगे। और भाई एक चीज और बता देता हूँ कि जो सारे फोन है भाई वो अपने मैक्स रिफ्रेश रेट पर हमने सेट करे हैं, सब में 120Hz का रिफ्रेश रेट मैंने सेट करा, बस सैमसंग में 90Hz का ऑप्शन अवेलेबल था तो मैंने 90Hz पे रखा है उसको। अभी स्टॉप वॉच वगैरह लगा लेते हैं फटाफट से, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अभी भाई सबसे पहला मैच स्टार्ट करने वाला पोको X3 प्रो के अंदर, सीधा बूट कैंप करेंगे, डैड पैड कूदेंगे, डैड पैड मरेंगे, मरेंगे नहीं मतलब मारेंगे। सबसे पहले पोको X3 प्रो में देखते हैं, अभी तक कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था। ये बाऊजी यहां बैठे, मैंने उसको पेला, मेरे को किसी ने पेला, हल्के से फ्रेम ड्रॉप हुए थे भाई अभी जब भी फाइट लिए थे हम। आईकू में भी अगला कर दिया भाई सानोक का ही। इसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को पोको X3 प्रो से थोड़ी बढ़िया लग रही है, और पर इसमें एक चीज़ की दिक्कत है, जम करते में फ्रेम ड्रॉप हुए थोड़े से, एक चीज़ की दिक्कत है भाई इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं है, तो पोको X3 प्रो इतना लाउड नहीं है ये। अरे भैया इसमें तो फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे, इसे ही मर गए। चलो 1 HP करा था ये लौंडा, तो मैंने मेरे को लगा मर जाएगा, मैंने उसको मारा ही नहीं भाई। इसके अंदर भी भाई थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप हमको देखने को मिले, बाकी ठीक है एवरेज गेमिंग कर देता है ये भी।
और हम इतने प्रो हैं नहीं कि हम बूट कैंप सर्वाइव कर जाएं। अगले फोन की बात करते हैं, अगला मैच भाई हम करने वाले रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर। इसकी भाई जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा गजब लगती है, सब फोनों में से भाई सबसे ज्यादा निखर के इसकी डिस्प्ले आती है। डिस्प्ले की वजह से मेरे को काफी ज्यादा सही लगता है। बाकी इसके अंदर आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, एक्सट्रीम नहीं है। भाई मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि जो जायरोस्कोप सेंसर है वो मैंने सभी का ऑन करा हुआ है और सबकी जो सेंसिटिविटी 400 मैक्स करी हुई है, तो जायरोस्कोप की कहीं पे भी किसी के अंदर भी दिक्कत नहीं है, सब में जायरोस्कोप परफेक्ट वर्क करता है, किसी के अंदर भी डिले नहीं है। इसमें भी जंप करते हुए देखते हैं, माइनर से फ्रेम ड्रॉप थे बहुत ज़्यादा कम, बाकी सही है ये फ़ोन भी। लॉबी का थोड़ा सा डिफरेंस पड़ गया भाई, इसमें कोई आया ही नहीं यार। इसमें भी फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे भाई थोड़े थोड़े। थर्ड लेवल एलिमेंट टेस्ट है, वो भाई अभी फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं इसमें। ले यार चलो, कोई भाई मिल रहा ही नहीं है, बड़ा बेकार सा मैच जा रहा था। अब क्या करूँ भाई, इतनी सारी आईडी का इंतजाम करा है, सब एक से इस पर थोड़ी रख के रखूंगा। मेरी आईडी तो मेरी एक ही है जिसमें मैं खेलता हूँ, बाकी 4 आईडी को भाई मैंने जुगाड़ करा है चाचा मौसी ताऊ की आईडी बनवा के, फोन की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए सिर्फ। बाकी इसके अंदर भी मैच काफी ज्यादा सही चला, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थे जम करते हुए भी थोड़े से, और भाई बाकी नॉर्मल जब हम बॉट बॉट पेल लेते तब भी थोड़े बहुत देखने को मिले थे। बाकी भाई अल्ट्रा के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया गेमिंग चला रहा था, कोई खराब नहीं थी। भाई इसका जो स्पीकर है वो भी लाउड है, डुअल स्पीकर है क्योंकि इसके अंदर भी स्टीरियो स्पीकर। बाकी भाई जो अगला मैच करने वाले वो करने वाले सैमसंग A52 के अंदर, सानोक का ही करेंगे भाई। सैमसंग का स्पीकर तो भाई सबसे ज्यादा लाउड है, और कैसे अटक रहा है तो लॉबी में भाई साहब के बुरे हाल हो जाते हैं। बाहर चल रहा आंधी तूफान फूल और मैं बना रहा हूँ वीडियो, हाँ जी तूफान में वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और है। प्लेन में चढ़ते ही भाई सैमसंग के अंदर ब्राइटनेस ड्रॉप हुई है, और आवाज़ देख रहे हो क्या तेज है, इतने नहीं करे फ्रेम ड्रॉप भाई अभी जंप करते में, बहुत लाउड है भाई, बिना उसके भी खेलोगे ना तो मस्त फुटस्टेप आते हैं। अभी आ गए ऐसे देखो, सैमसंग की वजह से इतना ज़्यादा बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया इसको, और पहले से मेरे को फास्ट भी लग रहा है ये। अबे यार फेल गया लौंडा। सैमसंग की परफॉर्मेंस भाई अपडेट के बाद बढ़िया हुई है काफ़ी ज़्यादा, वैसे गेम ऐसे चलाता नहीं था, इसमें गेम भाई खेलने लायक भी नहीं होती थी, अब तो खैर गेम खेलने लायक कर दी है। बूट कैंप पे भी काफ़ी ज़्यादा सही चलाई इनने गेम, फ्रेम ड्रॉप वगैरह थोड़े बहुत देखने को मिले, हल्के फुल्के थे माइनर से, बाकी पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई ये। अगला मैच भाई Mi 11X के अंदर करने वाले हैं, बूट कैंप का ही 870 आपको देखने को मिलता है इसमें। Mi 11X में भाई स्टीरियो स्पीकर है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कम आवाज़ है इसकी, सबसे ज़्यादा लाउड भाई सैमसंग का स्पीकर मेरे को यहाँ पे देखने को मिला, और डिस्प्ले इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सही है, पर यार ये ब्राइटनेस ड्रॉप काफ़ी करता है गेम के अंदर। बाकी जायरोस्कोप इसका सबसे ज़्यादा स्मूथ मेरे को लगता है इसका और FOCUX 3 PRO का। अभी भाई जंप करते हुए देखते हैं एक बार, हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप हुए थे इसमें। कहीं और से पड़ गए लो,
इसके अंदर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही थी भाई। इसमें भी हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप थे, फ्रेम ड्रॉप सारे ही करते हैं भाई, वो बूट कैंप है यार, वो महलुआ थोड़ी चल रहा है। अगर भाई इसमें से अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस बात करें कि कौन सी मेरे को बढ़िया लगी, तो भाई मेरे को जो परफॉर्मेंस बढ़िया लगी वो अभी मी 11X की सबसे बेटर लगी है। अभी ये करते हैं, 50 मिनट हमको कंप्लीट हो चुके हैं और हम अब मैक्स सेटिंग पे मैच करने वाले हैं कि करके जैसे कि हमने स्टार्ट करा था। सबसे पहले तो यहाँ पे पोको X3 प्रो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार बैटरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तो 82% बैटरी इसके अंदर अभी है। और टेम्परेचर की बात करें तो भाई देख सकते हो 46 डिग्री तक पहुंच चुका है ये, तो काफी ज्यादा हीट चल रहा है पोको X3 प्रो। अभी मैक्स सेटिंग पे हम अगला मैच जो करेंगे ना वो TDM का करेंगे। जिस जिस फोन के अंदर भाई जो जो मैक्स सेटिंग हमको देखने को मिलती है हम उसी पे इसको रखने वाले हैं। पोको X3 प्रो के अंदर मैक्स सेटिंग अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा की है, तो इसी पे रखेंगे और स्टार्ट करते हैं मैच को। भाई यार पीछे से चूरन दे गया वो। पहला मैच तो भाई काफी आराम से जीत दिया इसके अंदर, और काफी ज्यादा बढ़िया चला इसने मैक्स सेटिंग के ऊपर भी, ज्यादा कोई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नहीं देखने को मिले। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी परसेंटेज की बात करें, 79% बैटरी इसके अंदर हो गई है। पोको X3 प्रो का एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं कि भाई कितना पहुंचता है ये मैक्स सेटिंग के बाद। तो भाई अभी तो ये 42 डिग्री चल रहा है। अभी क्या करते हैं, अगला मैच हम करेंगे IQ K Z3 के अंदर। इसने भाई कितनी ज्यादा ब्राइटनेस डाउन करी है साफ साफ पता चल गया देखते ही। अभी क्या करते हैं, अगला मैच इसके अंदर ही करेंगे। अभी भाई सेटिंग HDR अल्ट्रा पे है। IQ Z3 ने भी ब्राइटनेस डाउन कर ली है। नेक्स्ट सेटिंग भाई IQ Z3 की परफॉर्मेंस बढ़िया लगी मेरे को, कहीं पे भी इसमें फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिला और गेम खेलने लायक थी। मैक्स सेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया है भाई ये। अगला मैच भाई रेडमी के Note 10 Pro Max के अंदर करने वाले। इसकी मैक्स सेटिंग HD+ हाई ही है बस, तो इसी पे करने वाले हैं। और भाई बैकग्राउंड से अगर थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो तो यार उसके लिए माफी चाहता हूँ भाई, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी क्योंकि पीछे बारिश बारिश चल रही है तो बिजली बिजली कड़क रही है तो बहुत आवाज़ हो रही है। भाई बहुत फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं इसमें। हाँ प्रसाद बट रहा है यहाँ, हमारे यहाँ के खड़े हैं बाबू जी। भागो ही मत भाई, वहीं पे अटक जाओ। दो मारने यार, कुत्ता बनाओ जल्दी। इसके अंदर भी जीत गए भाई, पर इसके अंदर भाई इतनी ज्यादा कुछ कमाल की थी नहीं यार, क्योंकि यार परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी जब यार हाई सेटिंग इतनी कम देखने को आपको मिलती है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप के साथ इनने कैसे भी करके गेम को चला दिया। अभी अगला मैच हम करेंगे सैमसंग के A52 के अंदर। बाकी अभी भाई इसके अंदर 83% बैटरी हो चुकी है। एक बार टेम्परेचर इसका ले लेते हैं, तो मैक्स भाई 42 तक ये पहुंच रहा है, 44 तक पहुंच गया ऑलमोस्ट, तो ये भी काफी ज्यादा हीट हुआ है भाई मैक्स सेटिंग के बाद। तो अभी अगला मैच करेंगे A52 के अंदर। सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग इसकी, इसमें भी भाई HD+ हाई है। ये तो फिर भी रेडमी था, ये तो फिर भी सैमसंग है, इसका क्या होगा। सैमसंग में भाई सबसे ज्यादा ग्राफिक अप होते हैं, देखो पूल पत्थर उत्थर का टेक्सचर देख रहे हो यहाँ, ये पूरा लाउडनेस के मामले में भाई सैमसंग काफी ज्यादा आगे है। डिस्प्ले भी सैमसंग की काफी ज्यादा तगड़ी है। ये भी फ्रेम ड्रॉप, मैं कह रहा सैमसंग बढ़िया हो कैसे सकता है। Expired.
रे भैया, ये क्या ये क्या, इसके अंदर भी हो चुका है मैच, इसके अंदर हार गए, पर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बैटरी ड्रॉप की बात करें तो वो भाई 90 पे चल रहा है, ये बहुत बैटरी बचाता है। इसको उल्टा करके रख देते हैं ना तो इसकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। ये भाई मैक्स अपना 41 डिग्री तक पहुंच रहा है, ज़्यादा नहीं है, कम हीट कर रहा है काफ़ी। अभी तक पोको X3 प्रो और रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स पहुंचे हैं 44 तक। तो Mi 11X के अंदर भाई अपना आखिरी मैच करने वाले हैं। इसके अंदर भाई अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा की सेटिंग अवेलेबल है। क्या बसड़ मचाइए, इसके अंदर भी मैच जीत गए काफ़ी ज़्यादा आसानी से। और भाई अभी तक सबसे ज़्यादा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस इसी में मिली है, मैक्स सेटिंग पे भी और स्मूथ सेटिंग पे भी, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे निकल के आता है Mi 11X। तो इसकी बैटरी परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी 88% बैटरी है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा सही बैटरी चला रहे हैं यार दोनों फ़ोन, सैमसंग और ये। और इसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो 42 डिग्री पहुँचा है मैक्स। अभी इसको भी रख देते हैं हम उल्टा। और भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हमको हो चुका है, 2 घंटे की तो ऑलरेडी वीडियो शूट हो चुकी है, इसको एडिट करने में भाई मेरी ऐसी तैसी होने वाली है। तो अभी क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को करते हैं स्टॉप, फेंक देते हैं कोने में कू। तो अभी भाई अपना गेमिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, सभी की होम स्क्रीन पे फटाफट से अगर हम चल लें तो अभी भाई सभी फोनों की होम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। और बात करें पोको X3 प्रो की बैटरी की तो 71% बैटरी है, ऑलमोस्ट 30% बैटरी ड्रॉप कर दी इसने। और उसके बाद IQ Z3 की बात करें तो 78% बैटरी इसके अंदर है, तो इसके अंदर भी 22% बैटरी ड्रॉप हुई है। और इसके अंदर भी 81% बैटरी, तो इसके अंदर 20% बैटरी ड्रॉप हुई है Redmi Note 10 Pro Max के अंदर। ये भाई 88 पे, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल चल रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ 12% बैटरी ड्रॉप हुई क्योंकि इसको उल्टा कर देते हैं, लॉक कर देता है ना तो वहाँ पे बैटरी बचा लेता है। और इसके अंदर 88 लगा था मेरे को, 83 है भाई इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी काफ़ी बैटरी ड्रॉप हो गई है। तो बैटरी के मामले के हिसाब से तो सैमसंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैटरी बचा देता है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो भाई सबसे पहला मेरा नाम आने वाला है Mi 11X। तो भाई Mi 11X ने सबसे ज़्यादा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस हमको दी, स्मूथ सेटिंग पे भी, मैक्स सेटिंग पे भी। बस एक चीज़ की दिक्कत है, अब यार ये थोड़ा हीट होने लग जाता है तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा डाउन करता है ये, ताकि फ़ोन का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, बाकी ओवरऑल गेमिंग काफी ज्यादा तगड़ी करता है। अब यार बंदे बोलेंगे कि भाई इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर होता है, तो थोड़े कम प्राइस का बताओ भाई, कम प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो पोको का X3 प्रो हम सेकंड नंबर पे रखने वाले हैं। पोको X3 प्रो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गेम चलाता है, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन है, और भाई 860 इस प्राइस में कोई नहीं दे रहा है जो पोको दे रहा है, तो उस हिसाब से पोको का X3 प्रो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मैक्स सेटिंग पे भी गेम काफ़ी ज़्यादा बड़ी चलाता है। और हम थर्ड नंबर पे भाई अपना IQOO का Z3 को रखने वाले हैं, क्योंकि भाई अभी थोड़ा प्रोसेसर नया नया है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेबल होने में, बाकी अपडेट वगैरह के साथ हो जाएगा। बट यार इसके अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स में भी नहीं है भाई। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रही हो तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा थोड़ी लोगे भाई, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तो लोगे ही। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ड्रॉप भी करेगा तो भाई 40 से ऊपर ही रहने वाला है, ये स्मूथ प्लस अल्ट्रा है तो ड्रॉप करेगा तो थोड़ा नीचे चले जाता है। उस हिसाब से IQOO का Z3 काफी ज्यादा सही है, मैक्स सेटिंग पे भी गेम काफी ज्यादा बड़े चलाता है। बाकी भाई आप गेमिंग कर सकते हो इसमें भी, बट यार एकदम हाई टॉप लेवल की नहीं कर सकते, ये आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हो, फुल बूट कैम कर रहे हो, 6-6, 7-7 उंगलियों से खेल रहे हो, कुत्ता बना दिया भाई अपने फोन का, उस हिसाब से नहीं है। पर नॉर्मल गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। तो थर्ड नंबर पर मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। फोर्थ नंबर पर भाई शॉकिंगली यहाँ पे सैमसंग आ जाता है, क्योंकि भाई सैमसंग का ये जो A52 है ना भाई, ये अपडेट के पहले इतनी कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं देता था, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को इसके अंदर हमको मिलती थी। बाकी अभी हमने बूट कैंप वगैरह का मैच करा था, उसमें थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को अभी भी मिले, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दिया है सैमसंग ने इसको अपडेट के बाद। और सारे ही फोन को मैंने लेटेस्ट अपडेट पर भी अपडेट करा हुआ है। और भाई जो रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स है, इसको तो अपडेट के बाद और खत्म कर दिया, मैक्स सेटिंग पे गेम बिल्कुल भी खेलने लायक नहीं थी, इन दोनों में ही नहीं थी वैसे, मैक्स सेटिंग पे दोनों में गेम खेलने लायक नहीं थी। बट स्मूथ सेटिंग के हिसाब से अगर जज करा जाए तो फोर्थ नंबर पर ऑफकोर्स सैमसंग को रखना चाहिए, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, डिस्प्ले इसकी भी काफी ज्यादा तगड़ी है, इन सभी स्मार्टफोन में से डिस्प्ले देख सकते हो, सबसे ज्यादा इसी की चमक रही है, 120 हर्ट्ज की है। वैसे भाई मेरे को सैमसंग की डिस्प्ले काफी ज्यादा तगड़ी लगती है, तो इस हिसाब से मैं फोर्थ नंबर पे इसको रख रहा हूँ। फिफ्थ नंबर पे मैं यहाँ पर रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स को रख रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो इसको भी ले सकते हो भाई, इसकी भी डिस्प्ले काफी ज्यादा तगड़ी है, 120 हर्ट्ज की हम लोग डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो मूवीज वगैरह देखते हो तो काफी ज्यादा सही है, और कभी कभार गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, उतनी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि कौन सा फोन कैसी गेम चला रहा है। बाकी ये था भाई मेरा अपना ओपिनियन, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि आपको कौन सा लेना और आपका बजट कितना है। तो भाई उम्मीद करता हूँ इस वाली वीडियो की तो कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी कि इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए,
और अगर आपको फ्लैगशिप फोनों में से कोई कंफ्यूजन थी कि 40-30 हज़ार रुपये का बजट है आपका, 30-40 हज़ार रुपये का, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो भाई पिछली वीडियो में उसकी बना चुका हूँ एक्सट्रीम पबजी टेस्ट, तो यहाँ पे आई सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जरूर से चेकआउट कर लेना, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और भाई मैं और भी ऐसी कमाल की वीडियोज अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, सिंगल पबजी टेस्ट कंपेरिजन वगैरह चलता रहता है, एक्सट्रीम पबजी टेस्ट वगैरह भी लाता रहता हूँ। और भाई इस वाली वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में, एडिट वगैरह करने में, 2 घंटे की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी यार अगर पसंद आती है तो यार लाइक जरूर से करना, मेहनत सफल हो जाएगी भाई तुम्हारे भाई की, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई, मेरे को अपने चैनल के ऊपर 100 के सब्सक्राइबर भी करवाने हैं फटाफट से, सिल्वर वाले बटन चाहिए भाई, तो उसके लिए मेहनत चल रही है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, मैं बताऊँ आपसे को कमाल के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।